रायबरेली में त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान चलाते हुए लगभग 4.25 लाख रुपए की मिठाई नष्ट कराई है। दरअसल शासन के निर्देश पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने त्योहार पर सचल दल बनाकर आज जिले भर में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान सदर क्षेत्र के रसहिता में 2 जगह चीनी से बनी मिठाइयों को नष्ट करवाया गया, जबकि ऊंचाहार में छेना, पनीर, मिल्क केक और कई क्विंटल खोआ नष्ट करवाया गया है। नष्ट करवाए गए सभी खाद्य पदार्थों की कीमत 3,82,000 बताई गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी त्योहारों तक जारी रहेगी। छेना लगभग 1200 किलोग्राम था, जो कि मानक के अनुकूल नहीं पाया गया और वो उसमें गंदगी भी थी, तो उसके दृष्टिगत उसको 1200 किलोग्राम छेना नष्ट करवाया गया है। प्लस लगभग 4 क्विंटल ऐसे जो रंगीन खिलौने बिकते हैं जिसमें कलर वगैरह मिक्स किया गया था, वो भी मानव के प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। तो वो 4 क्विंटल रंगीन खिलौने के रूप में जो मिठाई थी उसे नष्ट करवाया गया है।